Welcome back to my channel. I'm Nupur. आज हम बात करेंगे अपने बालों को कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं बिना किसी हार्म के, क्योंकि आजकल स्ट्रेट बाल तो हर किसी को पसंद है और सलून में इतना ज़्यादा खर्चा करना मेरे ख्याल से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं वो भी कई बार आलस कर देते हैं, कौन पार्लर जाके अपने बालों को स्ट्रेट करे, इससे अच्छा घर पे बैठ के ही स्ट्रेट कर लेते हैं। मैं भी ही घर पे अपने बालों को स्ट्रेट करना प्रेफर करती हूँ। स्ट्रेटनिंग कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है आपके बालों का, आप कहीं से भी स्ट्रेट कराइए उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स लगते हैं कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो मैं एक ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगी, आप घर बैठे उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पर, क्योंकि वो चीज़ हर किसी के घर पर होती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ अपने बालों के लिए। तो गाइज़ मैं लूँगी एक एलोवेरा जेल, आप चाहें तो ये एलोवेरा जेल ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल आपके घर में अगर कोई पेड़ लगा है एलोवेरा का आप वहाँ से भी एलोवेरा निकाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप नॉर्मल सीधा स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं अपने बालों में तो वो आपके बालों की क्वालिटी को थोड़ा सा डैमेज करता है, तो ये एलोवेरा जेल है वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आपने लिया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ में, देखिए आपने अगर ये थोड़ी सी एक लेयर ली उसको आपने अपने बालों में लगा लिया, इससे आपके बालों की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, प्लस आप अपने स्ट्रेटनिंग बालों पे बहुत स्मूथली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा स्ट्रेटनर है, तो ये देखिए तो आप ये देख पा रहे हैं बालों को कितने इजीली स्ट्रेट हो गए हैं और शाइनिंग भी आ गई है मेरे बालों में। मुझे कुछ और इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मेरे बाल थोड़े शाइनिंग भी लग रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको ये मेरे नॉर्मल हाफ पार्ट, ये नेचुरल मेरे हेयर्स हैं, आप ये देख सकते हैं थोड़े से वेवी हैं, और ये मेरा स्ट्रेट हेयर है जो मैंने अभी आपके सामने स्ट्रेट किए हैं। तो चलिए मैं आपको और भी अपने बालों की लेयर्स जो है वो स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। इसी प्रोसेस को आप बार बार अपने हर लेयर पे अप्लाई करेंगे। गाइस एलोवेरा जेल तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, आपके फेस के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर आप इसे अप्लाई करेंगे अपने बालों में तो आपके जो हेयर जो डैमेज हो जाती है उनकी क्वालिटी उसको ये मेंटेन करके रखेगा। सेम स्टेप हम अपने बाकी बालों में करेंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड में भी करेंगे। मैंने अपने बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि अगर आप खुद स्ट्रेट करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहता है, अगर आपके बाल जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो, आप चाहें तो ऊपर की साइड पूरे बाल फोल्ड करके सिर्फ पहले नीचे का एरिया को कर लीजिए, उसके बाद ओपन करके आगे के जो बाल होंगे उनको भी कर लीजिए। तो गाइज आप देख पा रहे हैं मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम इसमें लगा है। नहीं तो अगर हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं बाल सूखने के बाद हम इसको सीधा स्ट्रेट करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बाल आपके थोड़े ना फ्लमजी से होते हैं और आपके बाल जल्दी स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे एलोवेरा जेल तो इससे आपके बालों की जो क्वालिटी है वो खराब होने का डर भी थोड़ा सा कम रहेगा, प्लस आपके बाल जो है बहुत ईजिली स्ट्रेट हो जाएंगे और काफ़ी कम टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं मेरे पूरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, मैं अभी अपने बालों को कॉम नहीं किया है। आप देख पा रहे होंगे मेरे बालों में अपने आप एक शाइन आ चुकी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल वॉश करके कंडीशनर करके बालों को सुखा के बस आपके सामने मैंने एलोवेरा जेल का यूज़ किया है बालों को स्ट्रेट करने में, और आप देख पा रहे होंगे कि बालों में एक अलग सी अपने आप शाइन आ गई है।
तो बस आपको इतना ही करना है अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, एलोवेरा जेल लगाइए, उसके बाद अपने स्ट्रेटनर को आप यूज़ करिए, स्ट्रेटनर करना है, आयरन करना है, जैसे भी अपने बालों को आप स्ट्रेट करना चाहते हैं वैसे आप आराम से अपने घर बैठे इन बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।